और आप देख रहे हैं सिवान न्यूज़। बात करें, भारत त्योहारों का देश है। भारत में त्योहारों के माध्यम से यहाँ के लोग खुशियाँ बांटते हैं और हर तरफ खुशियों का माहौल होता है। और फिर आज जिस त्यौहार की हम बात कर रहे हैं वो तो एक बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। बात कर रहे हैं हम हरितालिका तीज व्रत की, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम तीज व्रत के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रथम यह व्रत जो है पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती ने भगवान श्री शिव के लिए किया था, भोले शंकर के लिए किया था। अगर बात करें तो उनके जो शादी थी, माँ पार्वती की शादी उनके पिता पर्वतराज हिमालय ने भगवान विष्णु से करने की सोची। जिस बात का जब माँ पार्वती को पता चला तो उनकी सखियों ने उन्हें वहाँ से हरण करके उनकी सखियाँ उन्हें वन में ले गई, क्योंकि माँ पार्वती ने पूर्ण रूप से मानसिक रूप से भगवान शिव को अपना पति मान लिया था, उनका वरण कर लिया था। तो उन्होंने वहाँ पे उनकी एक स्थापना, उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने घोर तपस्या की। उस घोर तपस्या के बाद से जो है भगवान भोले शंकर काफ़ी खुश हुए, उन्होंने उन्हें दर्शन दिया और उसके बाद से उन्होंने माँ पार्वती को जो माँ पार्वती का वरण किया। बात करें तभी से ये जो है आम जो भारत में काफ़ी मशहूर हो गया। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु होने के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं, शाम को अपने घरों में या शिवालयों में भगवान माँ पार्वती और भोले शंकर की प्रतिमा स्थापित करके तीज का जो है वो कथा सुनती हैं और अगले दिन बांस की छितनी में श्रृंगार का जो सामान होता है उसका जो है दान पुण्य करके फिर अपने व्रत को तोड़ती हैं। इसका गौरतलब हो कि इस व्रत का नाम तीज या हरितालिका तीज इसलिए कहते हैं क्योंकि माँ पार्वती को उनकी सखियों ने हरण करके जो है वन में लेके गए थे, तभी से बस इसका नाम हरितालिका व्रत तीज के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ है। अगर बात करें तो हर साल ये जो है काफ़ी जोश उमंग से मनाया जाता है। पूरी जो महिलाएं हैं अपने पति की दीर्घायु होने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होके आती हैं और आप देख सकते हैं अभी जो है हमारी सिवान न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है महादेवा शिव मंदिर, जहां वैसे ही व्रती महिलाओं का जमावड़ा लगा हुआ है। तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो हम अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो हमारी मतलब कि जो सुहाग वो बनी रहे और ये हर जन्म में हम यही पति हमें मिले, ये सब थिंकिंग रख के हम लोग ये व्रत करते हैं। जैसे तीज के दिन पूरे दिन मतलब हम लोग ऐसे ही रहते हैं, बिना पानी वगैरह कुछ नहीं पीते हैं, पूरा दिन पूरी रात ऐसे ही रहते हैं बिना पानी वगैरह के। अगले दिन और मतलब कि तीज के दिन ही हम लोग पहले पूरा अच्छे से तैयार हो लेते हैं, 16 श्रृंगार जो कहा जाता है उसको करके और फिर मंदिर में भगवान की आराधना करते हैं। उसके बाद से फिर अगले दिन सुबह में जो भी श्रृंगार का जो सामान होता है उसे हम लोग दान करते हैं पंडित जी को और उसके बाद से हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं। सभी स्त्रियां करती हैं अपने अपने पति के लिए। मंदिर में पूजा, हाँ मंदिर में आते हैं हम लोग शाम को पूजा करने और पूजा करके फिर कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद फिर घर जाते हैं। पार्वती जी ने सबसे पहले किया तो उसके बाद से ये लगातार चला आ रहा है। तो मतलब आखिर मतलब व्रत ये किसके लिए किया जाता है? ये व्रत अपने पतियों के लिए किया जाता है, सुहागिनें अपने पतियों के लिए करती हैं।